तो किसानों के मुद्दे को लेकर हरियाणा कांग्रेस ने सबसे पहले तो बैठक की, उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस का हरियाणा सरकार पर हमला बोला। हरियाणा कांग्रेस ने किसानों के मामले में 21 सितंबर को धरना प्रदर्शन करने की भी चेतावनी दी। हरियाणा में कांग्रेस ने बैठक करने के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस की, इसमें किसानों से संबंधित मुद्दे उठाए गए। इस दौरान कुमारी सैलजा ने बताया कि कांग्रेस बैठक में सोनिया गांधी राहुल गांधी के नेतृत्व में विश्वास प्रकट करते हुए हरियाणा कांग्रेस ने प्रस्ताव पारित किया है। सैलजा ने हरियाणा में बीजेपी गठबंधन सरकार को कंफ्यूज सरकार बताया और किसानों पर हुई लाठीचार्ज की निंदा भी की। साथ ही सैलजा ने कहा कि लोगों के हित की लड़ाई हरियाणा कांग्रेस लड़ेगी। हमारे राज्य की स्थिति पर भी अपने अपने विचार रखे, किस तरह से घोटाले पर घोटाले हो रहे हैं। ये भारतीय जनता पार्टी और जजपा सरकार के नीचे इतने दिनों में कोई देन नहीं सिवाय घोटालों के। कंफ्यूज्ड सरकार है, कभी कोई फैसला लेती है तो फैसला वापस लेती है, फिर दूसरी बात कहते हैं। रोज ये अपना स्टैंड बदलते हैं, इनका आपस में कोई तालमेल नहीं है। कांग्रेस पार्टी का संगठन मजबूत करें हम आने वाले वक्त में, और लोगों की लड़ाई सारे कांग्रेस जन इकट्ठा होकर जमीन से लेकर विधानसभा से लेकर सदन तक हर जगह हम लड़ाई लड़ेंगे लोगों के हित की। तो वही नेता प्रतिपक्ष भूपिंदर सिंह हुड्डा ने भी हरियाणा सरकार को विफल बताया। उन्होंने कहा कि इस मौजूदा सरकार में किसान मजदूर और व्यापारी को काफी दुख है। इतना ही नहीं, हुड्डा ने कहा कि कृषि से संबंधित 3 ऑर्डिनेंस से किसानों को बड़ा नुकसान होगा और इसका हरियाणा के लोगों में काफी रोष देखने को मिल रहा है। हुड्डा ने कहा कि कांग्रेस ने किसानों पर हुए लाठीचार्ज की सिटिंग जज से जांच कार्रवाई करने और किसानों के खिलाफ दर्ज मुकदमे वापस लेने की मांग की है। राज्यपाल से कल मुलाकात करेगी हरियाणा कांग्रेस। आज जो मौजूदा सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार, वो बिल्कुल विफल सरकार है। हर मोड़ पे ये फेल हुई और आज हर वर्ग इस सरकार से विमुख हो चुका है। आप देखें, मैं कल जैसे 3 मंडियों में हो गया है, तो खास तौर पे किसान मजदूर और व्यापारी, उनसे उन्होंने सब अपनी अपनी बातें बताई, शिकायत बताई, और कानून व्यवस्था नाम की तो चीज है ही नहीं प्रदेश में, जैसे यहाँ पे सरकार है ही नहीं। अब जो 3 अध्यादेश थे दिए हमने, उसके विरोध में बहुत भारी रोष हरियाणा में, क्योंकि ये इनका उनसे किसान का बड़ा भारी नुकसान होने जा रहा है। इस दौरान हरियाणा कांग्रेस के नए प्रभारी विवेक बंसल ने कहा कि संगठन का जल्द गठन किया जाएगा, संघर्षशील और पार्टी में आस्था रखने वालों को स्थान दिया जाएगा। बंसल ने कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर केंद्र सरकार का घेराव करते हुए कहा कि कोरोना के मामले में सरकार का कुप्रबंध सामने आ गया है। संगठन का हम लोग जल्दी से गठन करेंगे और प्रतिभाशाली लोगों को उसमें स्थान दिया जाएगा जो संघर्षशील है, और जिस तेजी से उछाल कोरोना ने किया हुआ है, लिया हुआ है, और इस कुप्रबंधन का दुष्परिणाम यह हो रहा है कि आर्थिक आपकी जो ग्रोथ है, जीडीपी सबके सामने 23% है, जो कि ऑर्गेनाइज सेक्टर की है। असंगठित को अगर मिला लें 29 और बेरोजगारी एक हस्पत से आंकड़े आते हैं। लॉकडाउन के पश्चात ये कहा गया कि 28% हो गया है बेरोजगारी। 21 सितंबर को हरियाणा कांग्रेस ने किसानों के मुद्दों पर जिला स्तर पर धरना प्रदर्शन करने की बात कही है। साथ ही हरियाणा कांग्रेस इस मामले में राज्यपाल से भी मुलाकात करेगी, इस ऑर्डिनेंस को खत्म करने की मांग करेगी। चंडीगढ़ से अनिल कुमार की रिपोर्ट, टोटल न्यूज।